नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी में। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आयु निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च को आयु निर्माण दिवस मनाया गया। तो आयुध को हथियार भी कहते हैं, इतना तो ज्ञात होना चाहिए हमें। फिर उसके बाद इसी दिन आयुध निर्माण कारखाना जो 18 मार्च 1802 को भारत में कोलकाता के कोसीपुर में शुरू किया गया था। आयुध निर्माण दिवस के उद्देश्य ये है कि इस अवसर को भारत के सशस्त्र बलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को सुनिश्चित कर दें और कर्मचारियों के लिए बेहतर जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के माध्यम से आयुध मंडल के समर्पण की पुष्टि के लिए याद के रूप में मनाया जाता है ये आयु निर्माण दिवस। तो यहाँ पे आयु निर्माण बोर्ड आया तो इसके महानिर्देशक हैं एवं अध्यक्ष हैं हरि मोहन, और मुख्यालय इसका है आयु निर्माण बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो देखेंगे मार्च के मंथ में जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनको, तो 3 मार्च को 2 दिवस मनाए गए थे, वो थे विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व हेरिंग दिवस। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था, और 20 मार्च को 2 दिवस मनाए गए थे, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, और 21 मार्च को विश्व वन दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को विश्व विज्ञान दिवस, और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना, और अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार पर हाथ धोने के हैंड वॉश की बोतलों के साथ पानी के नल लगाए जाएंगे, और चीन के वुहान में फैले कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे केरल राज्य आया, तो केरल राज्य के बारे में अगर देखें हम तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, और केरल के मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और केरल के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, और केरल के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो हैं एस मणिकुमार हैं, और केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, पहला तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक। तो और केरल की लोकसभा में सीटें की बात करें अगर तो 20 सीटें हैं केरल की लोकसभा में, और राज्यसभा में केरल की सीटें हैं 9 सीटें हैं, विधानसभा में सीटों की संख्या 144 है। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में कैटरीना सेकलोरोपो पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस में। दोस्तों, यहाँ पे ग्रीस आया, तो ग्रीस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, और इसकी राजधानी जो है एथेन है, और जो करेंसी यहाँ ग्रीस की है वो है यूरो। यहाँ पे देखिए कैटरीना सेकलोपोसो को, ये देखिए उनकी तस्वीर है। तो अगला देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, अमेरिका और किस देश के बीच अफ्रीकी लायन सैन्य अभ्यास के आयोजन को रद्द कर दिया गया है? आपको बताना है कि अमेरिका और किस देश के बीच अफ्रीकी लायन सैन्य अभ्यास को आयोजन को रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। दोस्तों, अफ्रीकी लायन सैन्य अभ्यास कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पे मोरक्को देश आया, तो मोरक्को के बारे में अगर बात करें हम, तो मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, और इसकी राजधानी रबात है मोरक्को की, और मोरक्को की करेंसी जो है मोरक्कन दिरहम है, और मोरक्को के प्रधानमंत्री जो हैं साद इंडीडीन अल ओथमानी हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया CMD चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंदर सिंह ढिल्लन को। किसको? तो रविंदर सिंह ढिल्लन को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया CMD चुना गया है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक भारतीय वित्तीय संस्थान है, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1986 को हुई थी, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। देखिए यहाँ पे रविंदर सिंह ढिल्लन का तस्वीर, यह है रविंदर सिंह ढिल्लन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में बने देश के सबसे बड़े धर्म चक्र को लिम्बका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? दोस्तों,
इसका सही जवाब आपको बताना है कि धर्मचक्र को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और किस राज्य में बने देश के सबसे बड़े धर्मचक्र हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। दोस्तों, धर्मचक्र हरियाणा के यमुनानगर में बना हुआ और जनवरी 2019 में लोहे का धर्मचक्र स्थापित किया गया था और अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश के सबसे बड़ा धर्मचक्र होने का सर्टिफिकेट दिया है और इसका वजन 6 टन और इसका व्यास जो है 30 फीट और इससे इसमें 24 तीलियां लगी हैं और 2500 साल पहले अशोक चक्र को धर्मचक्र भी कहते थे, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यहाँ पर राष्ट्रीय हरियाणा आया तो हरियाणा के बारे में अगर हम देखें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर जो है हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा हैं और हरियाणा के चार पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी जानकारी आपको हरियाणा के बारे में रखनी होगी। और हरियाणा की लोकसभा में सीटें 10 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एम गोपाल रेड्डी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, एम गोपाल रेड्डी जो हैं सुधीरन मोहंती की जगह लेंगे और मध्य प्रदेश यहाँ पे आया। तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें हम तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और मध्य प्रदेश के गवर्नर जो हैं लालजी टंडन हैं और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं अजय कुमार मित्तल हैं और मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 231 सीटें हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतना आपको याद रखना होगा। तो अगला प्रश्न है, बजाज ऑटो के नए MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है बजाज ऑटो के नए MD CEO किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। तो राजीव बजाज को दोबारा से बजाज ऑटो का नया MD CEO चुना गया है और बजाज ऑटो की स्थापना जो हुई थी 29 नवंबर 1945 को ही थी और इसका मुख्यालय जो है पूरे महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष जो हैं बजाज ऑटो के वह है राहुल बजाज। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बायोफ्लू पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय बायोफ्लू पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय बायोफ्लू पॉलिसी लागू करने वाला राष्ट्र का देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। दोस्तों, बायोफ्लू जैव ईंधन नीति का उद्देश्य आने वाले दशक के दौरान देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन का उपयोग को बढ़ाना है और यहाँ पे राजस्थान राज्य आया। दोस्तों, तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है और राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर जो हैं कलराज मिश्रा हैं और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम इंद्रजीत मोहंती है और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और राजस्थान की लोकसभा में सीटें 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार का रेगिस्तान भी राजस्थान में स्थित है। और कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो अब तक याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपके याद हो जाएंगे। तो किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों की वीज़ा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। दोस्तों,
पेमेंट बैंक सबसे अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक है और पहली बार बैंक के उपभोक्ता अब अपने वीजा डेबिट कार्ड की भी मदद से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर पाएंगे। तो यहाँ पे पेटीएम आया, तो पेटीएम की स्थापना अगर देखें तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। पेटीएम का मुख्यालय जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और पेटीएम के सीईओ जो है रेडू सती हैं और पेटीएम के संस्थापक जो हैं विजय शेखर शर्मा हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गूगल क्लाउड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश मखीजा को। दोस्तों यहाँ पे गूगल आया, तो गूगल की स्थापना अगर हम देखें तो गूगल की स्थापना जो हुई थी वो थी सितंबर 1998 में, और मुख्यालय जो है गूगल का वो कैलिफोर्निया यूएसए में है, और संस्थापक जो है सरगई ब्रिन लेरी पेज हैं, और सीईओ जो हैं गूगल के सुंदर पिचाई हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली उड़ने वाली कार किस राज्य में बनाई जाएगी। आपको बताना है कि दुनिया की पहली उड़ने वाली कार किस राज्य में बनाई जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। दोस्तों डच कंपनी के साथ मिलकर गुजरात में यह पहली उड़ने वाली कार बनाई जाएगी, और इस कार का नाम PLV पर्सनल एयर लैंड व्हीकल है, और गुजरात राज्य यहाँ पे आया। दोस्तों तो गुजरात राज्य की अभी बात करें हम, तो गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, और मुख्यमंत्री जो है विजय रूपाणी है, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गुजरात के गवर्नर जो हैं आचार्य देवव्रत हैं, और गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं विक्रम नाथ हैं, और गुजरात के एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। गुजरात के तीन पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात की लोकसभा में सीटों की बात करें अगर तो 26 हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और विधानसभा में 182 सीटें हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा की वो सबसे लंबी रेखा है जो 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बर्क नेशनल पार्क, वसुंधरा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीना नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है लोकसभा ने ICAO की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमान विधायक 2020 की विधेयक 2020 की पारित किया है। ICAO का मुख्यालय किस देश में है। तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में है। दोस्तों ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में, और मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल है जो कनाडा में स्थित है, और अध्यक्ष जो है डॉक्टर तैयब शरीफ हैं, और सेक्रेटरी जनरल फैंग लियू जो हैं। और कनाडा जो है कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, और इसकी कनाडा की राजधानी ओटावा है। कहाँ है कनाडा की राजधानी, ओटावा है। और यहाँ के कनाडा की करेंसी जो है कैनेडियन डॉलर है, और यहाँ कनाडा के प्रधानमंत्री जो है जस्टिन ट्रूडो हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, तो आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ, उनका संबंध किससे है। आपको बताना है कि हाल ही में जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वो अभिनेता थे। दोस्तों जयराम कुलकर्णी एक मराठी अभिनेता थे, और यह एक भारतीय थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका अपना चैनल D.s.academy आपका हमेशा स्वागत करता है और अभिनंदन करता है।